ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਸੁਮਨ ਕਾਲੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਮੈਡੀਵੇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਮੈਡੀਵੇਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਿਰੰਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ लुधियाना मेडिवेस हॉस्पिटल फिरोजपुर रोड लुधियाना जो के पिछले लंबे समय तो सदर भगवान सिंह पाऊजी वल्लों बहुत ही सुचज्जे तरीके नाल चलाया जा रहा है। इस हस्पताल ने आज दी भयानक महामारी नु देखदे हुए अपने अलग अलग डिपार्टमेंट दे डॉक्टर साहबाना नु कोरोना दे मरीजां दी देखभाल विच लगाया होया है। पाऊजी वल्लों कोरोना मरीजां दे इलाज लई हर संभव कोशिश कीती जा रही है, चाहे ओ दवाइयां होन जां ऑक्सीजन वगैरह। देख सकते हो कि इतने किवें कोरोना पेशेंट का सेफ्टी नाल इलाज किया जा रहा है। कहाँ से आए हो बताओ आप? मैं दिल्ली से आया हूँ और अर्ली मॉर्निंग पहुँचा हूँ यहाँ पर और रात को चले थे हम लोग फिर 2 बजे। बताओ कितनी तकलीफ थी आपको? बहुत ज़्यादा परेशान था मैं, यहाँ आके वेरी केयरिंग वेरी केयरफुल सबने एकदम मेरे को बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट किया और एकदम मैं फील कर रहा हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा बेटर फील कर रहा हूँ। जो हालत थी मेरी जब मैं यहाँ पहुँचा था मुझे ही पता है, लेकिन बट दिस टाइम आई फील बेटर, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, बहुत अच्छा लग रहा है। जब ये आई थी तो इनके ऑक्सीजन 50-60% थी, ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे इनको जैसे जो भी इनकी मेडिकेशन थी मैनेज करा, नाउ ही इज़ मेंटेनिंग 90-93%। और ये अभी कॉन्शियस बैठ सकते हैं, बैठ के देखो आपके सामने बात कर रहे हैं। जब ये आए थे तो बिल्कुल सांस भी नहीं ले पा रहे थे और बिल्कुल लाइंग पोजीशन में बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल थे, तो हम अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पेशेंट को कम्फर्टेबल लेवल दें, जो भी हम दे सकते हैं इनके लिए बेटर टू बेटर करें। पिछले दिनी साडे पत्रकार अवतार सिंह अते मैडम सुमन कालड़ा वल्लों लुधियाना मेडिवेस हॉस्पिटल दा दौरा करके कोरोना दा इलाज करवा रहे मरीजां नाल अते हस्पताल दे डॉक्टर साहबाना अते डायरेक्टर सदर भगवान सिंह पाऊजी नाल विशेष गलबात कीती गई। सर पिछले लंबे समय तो कोरोना दा जेड़ा दौर चल रहा है ते रेगुलर तुसी सेवावां पिछले साल भी दित्तियां ने हुण भी दे रहे हो, आईसीयू जेड़ा तुसी प्रॉपर एक तैयार कीता कोविड पेशेंट्स लई, की कहोगे तुसी? हाँ तुसी ठीक किया हैगा कि 1 साल तो लुधियाना मेडिवेज हॉस्पिटल दे विच कोविड पेशेंट्स वास्ते हरेक तरह का इलाज असी कर रहे हैं, चाहे वह जिस मर्जी लैवल का पेशेंट होवे। और साडे कोल अज दी डेट भी आलमोस्ट 25-30 दे करीब मरीज दाखिल ने, कई हंडर्ड्स असी ठीक करके भेज दिते ने। इस च कोई शक नहीं कि इस सैकेंड पीक दे विच सैकेंड वेव दे विच बहुत ज़्यादा केसिस बढ़ गए ने और हरेक चीज़ की दिक्कत आ रही है, चाहे वह बैड ने, चाहे वह ऑक्सीजन है, चाहे वह इंजैक्शन ने। पर साड़ी लुधियाना मेडिवेस की जिहड़ी मैनेजमेंट हैगी है, साढ़े सरदार भगवान सिंह जी जिहड़े जिन्हां पाऊजी के नाँ से सारे पंजाब जानते हैं लोग, उन्होंने हॉस्पिटल मनुखता की सेवा वास्ते अपने बेटे की याद मिंकू जी की याद बनाया होया है। वो 24 घंटे खुद एफर्ट्स करके सानू किसी चीज़ की दिक्कत नहीं आते रहे। रात की मैं थोनों गल दसदा कि मेरे को 1 ICU नहीं, मेरे को 2 ICU ने और 6 special room ने और 1 होर पूरा फ्लोर कोविड वास्ते उन्होंने डेडिकेट करके मैं दिता है। और एट ए टाइम रात को 4:15 बजे मैं 12 सिलेंडर की जरूरत सी, जिड़ी कि उन्होंने अपने परसनल एफर्ट्स से मैं अरेंज करके दिती और मेरी सारे पेशेंट्स की जी रिक्वायरमेंट सी वो पूरी हुई है। और मैं इसी करके थोड़े अगे अज ये मैं अपना जी है स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि सारे डॉक्टर्स नर्सिज वार्ड बॉयज लैबोरेटरी वाले एक्सरे वाले सीटी वाले सारे अपनी सेवावां दे रहे हैं और सरकार की इस पेंडेमिक जिन्हों आप महामारी कह रहे हैं असी मदद करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं और करते रहेंगे। पर कुछ लोग ऐसे ने जिहड़े कि पिछे रह के भी यह सानू अरेंजमेंट करके जिहड़ी सानू मदद कर रहे हैं, वो बहुत वड्डा योगदान है, चाहे दवाइया का है, चाहे टीकों का है, चाहे ऑक्सीजन का है, चाहे बैड्स का है। थैंक यू वेरी मच। आई एम डॉक्टर करमवीर गोयल जिहड़ा कि मैं अपना कोविड दे सारे पेशेंट्स का ट्रीटमेंट देख रहे हैं, बीइंग मेडिकल डायरेक्टर एंड मेडिकल स्पेशलिस्ट ऑफ द हॉस्पिटल। थैंक यू। लुधियाना मेडिवेस एक ऐसा हॉस्पिटल है जिथे कोई भी पेशेंट आ रहा है, चाहे कोरोना चाहे पहले भी रेगुलर सेवावां जिहड़े तुसीं दे रहे हो, तो काफ़ी पेशेंट्स जिहड़े इत्थों ठीक होके गए हैं, उहदे बारे की कहोगे?
देखो इस टाइम तो असं बिपदा बारे सोच रहे हैं। वैसे जो देखा जाए तो मैं तो हार्ट सर्जन है और चीफ ऑफ कार्डिक साइंसिस है। साढ़े रिजल्ट पाउजन भी पता असी 250 तो उत्ते ऑपरेशन किए हैं। आवर रिजल्ट आर 99.9% एट द मूमेंट, बट दोज रिजल्ट एट इस टाइम साढ़े लिए कोई मायने नहीं रख रहा। इस टाइम साढ़े लिए मायने रख रहा है आपदा, जिदे विच सानू मैक्सिमम रिजल्ट्स इत्थे देने हैं। और इत्थे मेरे ख्याल असी सारी टीम सारे बंदे लगे हुए हैं। तुसी किसी होर हॉस्पिटल जाके देख लो, इन्ने डॉक्टर इनवॉल्व तुहानू नहीं मिलणगे। जिदा सानू सारयां नू पता है कि ये महामारी च सैकेंड वेव आन करके नंबर ऑफ पेशेंट बहुत एकदम वध गया है, तो ये साढ़े सारे मैडिकल सिस्टम उत्ते स्ट्रैस हैगा। शायद यदि तैयारी इन्नी नहीं है ना, साढ़े को इन्ने बैड सके, पर साढ़े हस्पताल के पाव जी जे चेयरमैन ने ते असी सारे जिन्हें भी स्पैशलिस्ट डॉक्टर हाँ, मैं तो प्लास्टिक सर्जन हाँ, पर असी डिसाइड किया कि असी इस महामारी लिए जिन्ने पेशेंट असी ले सकते हैं असी लवेंगे तो इलाज करांगे। मैं डॉक्टर सुखजिंदर NSCI डिपार्टमेंट है वा। एक्चुअली इतने सारे डॉक्टर्स मिलकर कोरोना पेशेंट्स का इलाज कर रहे हैं। डॉक्टर करमवीर गोयल के अंडर सर की जो ट्रीटमेंट होंगी है उन्होंने असं सारे फॉलो कर रहे हैं। तो असी एज इंटेंसविस्ट अपने पॉइंट पर कोई पेशेंट साढ़े को आता जिन्हों सह की बहुत ज़्यादा तकलीफ हैगी, वेंटीलेटर सपोर्ट करना है वा, वो सारा कुछ असं इतने कर रहे हैं। साढ़े को मेनली होंगे है कि बहुत पैरीफरी के जोड़े छोटे हस्पताल है उन्होंने पेशेंट्स इतने आते हैं। जनरली मैं देखा है काफ़ी होर हॉस्पिटल कि वो पेशेंट नहीं लेंदे, रिफ्यूज़ कर देंगे ने बारहों ही। पर यह डॉक्टर साहब ने सानू कहा हुआ वा कि भाजी के भी है कि आप सारे पेशेंट का इलाज करना है वा, तो असी अजे काफ़ी पेशेंट्स का इलाज किया है जेडे कि बहुत साढ़े को माड़ी हालत आए थे, तो हूँ वह बिल्कुल ठीक होकर जा रहे हैं। तो अगे भी असी यही रखेंगे अपना। मेरा नाम डॉक्टर मनबीर सिंह है, मैं इतने कार्डियोलॉजिस्ट है, इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट मेडिवेस्ट। तो मैं शुरू तो देख रहा कि साडा जो हॉस्पिटल है इसी भावना चलता है कि हर पेशेंट नूं असी पूरी तरह केयर देनी है। उदे च कोई भी असी कोई भी होर चीज़ नहीं देखते, कोई फाइनैंसिस नहीं देखते, कुछ नहीं देखते, जो पेशेंट लई बेस्ट हैगा वो किया जाता है। सारे डॉक्टर्स इकट्ठे होकर इकट्ठे मिलजुल के काम करते हैं। हर जिहड़ी भी स्पैशैलिटी के डॉक्टर ने वो अपने अपनी अपनी जिहड़ी स्पैशैलिटीज़ हैगियां उहदी हर पेशेंट के उपर देखते हैं। सारे कलैक्टिवली टीम एज अ टीम हर पेशेंट नूं देखा जाता है। उहदे करके जिहड़े पेशेंट दे आउटकम है ते रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे ने, ते बहुत सारे जिहड़े बहुत सीरीयस मरीज भी आए थे वो भी ठीक हो के गए ने। सब तो पहले मैं फास्ट वे टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करदा जिहड़े कि इन्ना कोरोना का महामारी सारे हस्पतालों जाके उत्थे मरीजों का पता करते, डॉक्टर के इंटरव्यू लैके लोगों नूं जागरूक कर रहे हैं। मैं थोड़ा सारिया का टीम का धन्यवाद करता। दूजा जो मैं ये है सब तो ज़्यादा जो साढ़े वार्ड बॉय या नर्सा ने या EM उन्होंने मैं धन्यवाद करता कि दिन रात एक करके वो 24 घंटे सेवा मेरे होस्पिटल कर रहे हैं। उस तो बाद जो सारे सीनियर डॉक्टर है जिन्हों की रब का दूजा ना कहा जाता वे, वो इस सारे डॉक्टर टीम मिल के बाकी हस्पतालों में तो कोई डॉक्टर सीनियर जाता ही नहीं, इस हस्पताल के सारी डॉक्टर टीम बना के हर एक पेशेंट को अपनी अपनी सेवा दे रहा है। तो मैं इस और कोई लफज नहीं बोल सकता, अपने डॉक्टर की बहुत बहुत इन्होंने सेवा की, इन्होंने धन्यवाद करता वा। तो रब को अरदास करते हैं कि महामारी तो छेती छुटकारा पै। मैं डॉक्टर करमवीर गोयल, डायरेक्टर मेडिकल डायरेक्टर लुधियाना मेडिवेज हॉस्पिटल। इस मौके पर मैं दसना चाहना जिमें साढ़े लुधियाना मेडिवेज दूरों दूरों पेशेंट मेरे को आए हैं। दिल्ली तो 3 पेशेंट पे ने, बठिंडे तो पे ने, ऊना तो पे ने, शिमले तो पेशेंट हिमाचल तो पे ने, दूर दूर बहुत पैनिक हो रहा है। वो पैनिक नूं आपां ने इत्थे स्टॉप करके हिम्मत नाल, समझदारी नाल और पूरी अपनी जिन्ना भी नॉलेज और एक्सपीरियंस है वो दे नाल ये आपां महामारी नूं जितना है। थैंक यू वेरी मच। सर जिवें तुसीं साडे नाल पहलां ही गल कीती है कि मेडिसिन की काफ़ी प्रॉब्लम है, ऑक्सीजन की जिवें शॉर्ट आ रही है, उहदे बारे की कहो। जिहड़ी मेडिसिन की प्रॉब्लम हैगी ना वो इन्नी कोई वड्डी प्रॉब्लम नहीं, वो क्रिएट की गई है जिहड़े लोकें ने जमाखोरी करन वास्ते, या ये डर भी मेरे घर किसी नूं ये तकलीफ हो ना जाए वो कट्ठी कर रहे हैं। जिहड़ी किस इस वक्त ये टाइम नहीं हैगा दवाई नूं घर रखण दा, ये दवाई हैगी लाइफ सेविंग। लोग कहीं इस करके कट्ठी करी जा रहे आ, बड़े टैलीफोन आते आ, इंजैक्शन कितों लै लेंदे आ, फिर घर रखी जाते आ। जे वो सारे घर इंजैक्शन बाहर कल ले जाते तो मेरे ख्याल दवाई की कोई शॉर्टेज नहीं हैगी। गवर्नमेंट बहुत वधिया तरीके नाल सप्लाई कर रही है, सारे सिविल सर्जन साहब, सारे जिहड़े DHO है वो, साढ़े ड्रग इंस्पैक्टर,
उन्हें कोशिश भी हर पेशेंट को दवाई मिल जाए, पर कुछ लोग यह जे है जिन्हों भी साढ़े घर बीमारी ना कि आ जाए वो कट्ठी कर रहे हैं, जे वो रोकती जाए तो सारा कम ठीक।